भंडारा के तुमसर तहसील के चांदपुर तालाब का पानी छोड़ने के लिए सीहोर के पाटबांध धारे विभाग की सभा की गई और इस सभा के अधिकारियों की ओर से कोई इंतजाम नहीं होने से किसानों का इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आज की सभा को भी निरस्त किया गया है। धनंजय भाव तुरकर, शिक्षण व सभापति भंडारा, और यहाँ पे किसानों के लिए सोंडा टोला उपसा सिंचन योजना बनाई गई थी, तो उस योजना का लाभ किसानों को मिलना चाहिए और वहाँ का पानी चांदपुर जो जलाशय है वहाँ पे छोड़ा जाता है और चांदपुर जलाशय के माध्यम से यहाँ के RBC और LBC जो दो कैनल है उनके जरिए से किसानों को यहाँ का पानी पहुँचाया जाता है। वही रबी के पानी के लिए यहाँ के किसानों को आज बुलाया गया था, जो पाटबंधारे विभाग सीहोर है वहाँ पे इनकी सभा रखी गई थी, लेकिन इनकी कुछ नाकामयाबी के वजह से यहाँ जो किसानों के लिए व्यवस्था कराई गई थी वो व्यवस्था में बहुत सारी कमियां देखने को मिली। इसके ऊपर मैं धनंजय भाव क्या कहूँगे आप आज के इस सभा के बारे में? हम लोगों को जिला परिषद अध्यक्ष करके सभी क्षेत्र के सदस्यों को, सरपंचों को पत्र दिया गया, पंचायत समिति सदस्यों को, और उस हिसाब से सभी लोगों ने अपने अपने एरिया में किसान लोगों को बताया कि आपको आना है। इन्होंने ये जो आज की सभा है रबी का पानी यानी गेहूँ चना, इस हिसाब से इन्होंने सभी किसानों को सभी जो 8000 हेक्टेयर के लगभग है चांदपुर के आपास ही, वो हिसाब से इन्होंने सभा रखी थी। और जब अधिकारी से पूछा गया तो हमने इस हिसाब से ये सभा रखी बोले, और इन इंतजाम नहीं किया, इसलिए इन लोगों को भी हम मैंने भी अपने थोड़े कड़े शब्दों में इनको भी थोड़ी डांट फटकार लगाई है। और यहाँ जो चांदपुर जलाशय के जो प्रसिद्ध अध्यक्ष रहते हमारे आमदार, अभी जो नवनियुक्त आमदार है राजभाव कारेमोरे, ये आने वाले थे, लेकिन अचानक कुछ अधिकारी लोगों के आए, कलेक्टर साहब ने कुछ आड़ावा बैठक रखने की वजह से वो आ नहीं पाए, इसलिए हमें पता चला कि वहाँ कुछ चेंगड़ वगैरह जैसी हो रही है, लोग संभल नहीं रहे। कम से कम 500 से 800 लोगों का माहौल था, सब किसानों को लग रहा था कि हमारे LBC RBC का जो इन्होंने अधिकारियों ने जो संघर्ष लाए उनको लग रहा था कि हमको पानी मिलना चाहिए, और आपस में झगड़ा कि जैसा वो आपस में टकरा रहे थे। तो हमें पता चला तो मैं हमारे जिला परिषद सदस्य साथ में बबलू कटरे, मानिक ठाकरे वगैरह अजय कोसे, हम सब लोग वहाँ गए और वस्तुस्थिति देखते हुए बाद में बोले अधिकारी को कि ये बराबर नहीं है आपका, आप लोगों ने इंतजाम करना था, तो इसके बारे में अभी आमदार साहब से हमें बैठ के अपन नियम करने वाले। ये असुविधा जो किसानों को हुई आज, तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराते आज के इसके बारे में? तो यहाँ के जो जिनके तरफ अभी चार्ज है कौन अधिकारी लोग, जो भी संदर्भीय अधिकारी है, जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने, जिसको यहाँ डिप्टी है और जो जेई है, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते। उन्होंने व्यवस्था करना था, किसान यहाँ जो अन्नदाता है अपने देश का, और किसानों को बुलाए तो मान से बुलाना चाहिए, और जो बैठने की सुविधा है आज तक कोई इंतजाम नहीं किया। मैं भी जो आमदार बने इनके फंड से कम 5 से 10 लाख रुपए रनेरे के लिए देने लगाएंगे अपन, ताकि लोगों को बैठने के लिए और व्यवस्थित सभा लेने के लिए एक जगह रहे। ये अभी जो आज की मीटिंग रखी गई थी इसमें एक्चुअली क्या हुआ और इसका रिजल्ट कहाँ तक है? अभी मेरे जाने के बाद में हम लोग वहाँ जब गए तो क्षेत्र के सभी राजकारण से जुड़े हुए पदाधिकारी सभी पक्षों के वहाँ उपस्थित थे, सबको लग रहा था कि हमने यानी अपने अपने क्षेत्र में पानी ले जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं अधिकारी से बात किया, यहाँ मेरे ऑफिस में आए हो तो 1200 हेक्टेयर के लगभग पानी दे सकते हैं, और अपन जो शुक्रवार को बैठक बुलाएंगे अभी उसमें सभी पदाधिकारी रहने वाले, आमदार रहने वाले हैं, जो अपने अपने क्षेत्र से जवाबदारी लेते हैं वो लोग रहेंगे, तो एक अच्छा अपन बीच में का जो सुवर्ण मत जो बीच में का जो रास्ता है वो निकालेंगे। ये आज की मीटिंग जो निरस्त की गई इसका रीजन क्या कहेंगे आप? वहाँ ऐसा लगा जाने पे कि अधिकारी लोगों के कंट्रोल में लोग नहीं आ रहे थे, और सब लोगों को हल्ला जो हो रहा था किसानों की जो गुस्सा था कि कोई बोल रहा था कि ईयरली तक पानी आना चाहिए, कोई बोले देवसरा तक आना चाहिए, और इसमें जो एक में पे चढ़ाव चल रही थी और जवाबदारी किसी को दी नहीं थी आज की सभा की, कोई पदाधिकारी की ओर से कोई अध्यक्ष वहाँ उन्होंने डेप्यूट नहीं किया था ताकि कोई संभाल न सके। सब नेताओं को लग रहा था हम पदाधिकारियों की सभी लोग हम संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ के जो प्रसिद्ध आमदार है उन्होंने अब आगे की जवाबदारी किसी न किसी को सौंपना चाहिए, या खुद वो आएंगे तभी सभी रास्ता निकलेंगे। यहाँ हर बार जब पानी देने की बात आती है उस समय यहाँ किसानों की तरफ से सुनने मिलता है कि यहाँ राजनेता लोगों का हाथ होता है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ऐसा तो कुछ नहीं है राजनेता लोगों का, क्या है समाज में काम करते समय नेता लोग भी ज़्यादा अग्रसर रहते हैं। अभी जो भी गांव के वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच, और जो अभी मैं समझो जिला पर सभापति हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ, तो इसमें कोई राजकारण का विषय नहीं है, सब राजनीति में लोग चुन के देते हैं, इसलिए नाम जुड़ जाता है अपने आप।
हर बार किसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, अभी किसानों की हालत बहुत खराब है। 2150 धान मिलता है, जो बारीक धान है उसको रेट मिल रहा है। शासन ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और किसान ऐसा है कि सब सह लेता है, वो धरती माँ जिस तरह से सभी चीज़ सह लेती है, वैसा किसान भी सबको सहने की शक्ति उसको बहुत दी है ऊपर वाले ने। मैं तो अभी आशा करूँगा कि आने वाले दिन हमारे अच्छे रहे। लोगों को जिनको भी पानी मिले उन्हें समाधान से पानी बगाना चाहिए और अपनी खेती लगाना चाहिए। ये किसानों को आज इतना अपमान और वहाँ असहायता हुई है, उसके बारे में आप कहाँ तक उनको समझाना चाहेंगे या क्या अगली नेक्स्ट टाइम क्या ये रहेंगी सिचुएशन वहाँ पे पोजीशन, ये किसानों को अच्छा खासा मान सम्मान मिले और अच्छी खासी उनको सहायता मिले वहाँ पे? जी जरूर, हमारे जो आमदार है वो भी किसानों के प्रतिनिधि है, उनसे मैं ये बात रखूंगा और आने वाले दिनों में अच्छी व्यवस्था की जाएगी। आपको मैं आशा और जो आपकी अपेक्षा है इस पर हम खड़े उतरेंगे। ये भाऊ जो अभी जो रिजल्ट नहीं लगा तो ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और आएगा तो क्या दोनों आरबीसी एलबीसी को मिल पाएगा पानी या फिर किसी को नहीं मिलेगा? जी मैंने किसानों को पानी जरूर मिलेगा, क्योंकि 32 फुट पानी है और ये जो पानी सुंडा लिफ्ट योजना उसी के लिए दी गई है कि ये जो पानी है ज़्यादा का ये लोगों को फायदा हो, और अभी भी पानी जो मिले उनाली मिले धान लगे लोगों का, इसलिए आप वो मन से निकाल लीजिए कि पानी नहीं मिलेगा। पानी जरूर मिलेगा, लेकिन चुलाड़ और ये जो क्षेत्र है सिवरा क्षेत्र आरबीसी एलबीसी दोनों में अगर अच्छा करने की सोचेंगे, कुछ कुछ क्षेत्र आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है।